मुझे पता है कि आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए क्योंकि मैंने लड्डू संपी का मेंबर सिलेक्शन वीडियो अपलोड ही नहीं किया, और इसीलिए मैं आज लड्डू संपी का मेंबर सिलेक्शन वीडियो बना रहा हूँ। और आज मैं बताने वाला हूँ कि लड्डू संपी मेंबर सिलेक्शन में कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। लड्डू SMP बहुत पॉपुलर है, बट इसका कंपैरिजन दूसरी SMP से हो रहा है, इसलिए इसका सिलेक्शन रेशियो डाउन है और शायद से इसीलिए SMP क्लोज करना होगा। बट तुम्हारे भाई ने यहाँ पे उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और वो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। सो चलो एप्लीकेशंस देखना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे पहली एप्लीकेशन देखते हैं MC भाई की। तो ये मैं जो कि एप्लीकेशन बना रहा है फॉर लड्डू SMP। तो हाँ, मैं पहले ही बहुत सारी एप्लीकेशन बना चुका हूँ बहुत सारे SMP के लिए। खैर, तो हाँ, इस SMP में जाना होने के लिए थी 3 क्राइटेरिया। तो पहली था एडिटिंग, सेकेंड था थंबनेल, थर्ड था स्टोरी टेलिंग। तो हाँ, मैं एडिटिंग तो देख ही सकती हूँ, अच्छा है बट उतना भी नहीं। एंड मेरा थंबनेल कुछ ऐसा है। एंड हाँ, मैं मेरा स्टोरी टेलिंग लास्ट में बोल दूँगी। तो हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि क्यों मैं इस समय में जाना चाहता हूँ, उसके सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। एंड वो है, मैं मेरा चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ। तो हाँ, आप मेरा स्टोरी टेलिंग अगर देखना चाहती हो तो ये देखो मेरा स्टोरी टेलिंग। तो गाइस, तो मैं मेरा SMP में खेल रहा था बाइस्टा। सॉरी भाई, शायद से तुम नहीं सेलेक्ट हो पाओगे क्योंकि भाई तुम्हारा वॉइस ओवर ठीक नहीं है। तो हाँ, अभी फिलहाल चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्वाड भाई का देखते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं दे रहा हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर लड्डू SMP। ऐसे लड्डू SMP बहुत फेमस हो रही है मार्केट में, और इस SMP की एप्लीकेशन हम भी दे रहे हैं। तो इस SMP की एप्लीकेशन में 3 क्राइटेरिया सबसे ऊपर आते हैं, इसमें से नंबर 1 क्राइटेरिया है एडिटिंग। तो एडिटिंग में आपको बता दूँ, आप मेरी पूरी वीडियो में देख लेना, एडिटिंग मेरी OP डोपी होगी। और नंबर बात करते हैं अपने नंबर 2 की, तो नंबर 2 है हमारा थंबनेल। तो थंबनेल में आपको मतलब दिखाई देता हूँ, ये रहे मेरे कुछ थंबनेल्स। और अब बात करते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग की। तो स्टोरी टेलिंग से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, इतना मेहनत करके मैं वीडियोस बनाता हूँ आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बताओ यार ऐसे थोड़ी चलेगा। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्टोरी टेलिंग। 3, 2, 1। पहली बार की तरह मैंने एक और पेट बनाया क्योंकि इस बार माइनक्राफ्ट में एक नया अपडेट आया था, वो अपडेट था 1.21, जिसमें हम वुल्फ को आर्म बना सकते हैं। बट मुझे कहीं जाना पड़ा, अफसोस। बट तब भी मैं सोचा कि भाई उस बंदे को मैंने एक अच्छे जगह बंद कर दिया है, बट तभी वो सेफ नहीं था क्योंकि वहाँ कोई और आके मेरी खुशी छीन के चला गया था, और उनको लगा कि मेरे पास सिर्फ एक टोटम है, सिर्फ एक टोटम। बट वो भूल गया कि मैं कौन हूँ। स्क्वाड भाई, तुम्हारा एप्लीकेशन अच्छा था, तुमने सिनेमैटिक्स यूज़ किया है, तो शायद से तुम सेलेक्ट हो जाओ, मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलो नेक्स्ट वन चलते हैं। तो ये हूँ मैं जिसे ज्वाइन करने लड्डू SMP, बट कैसे। तो लड्डू SMP में आने के लिए हमें चाहिए 4 क्राइटेरियाज। एक है गेम स्किल, थंबनेल, एडिटिंग एंड स्टोरी लाइन। तो पहले बात करते हैं गेम स्किल की तरफ। सो आई होप कि वो अच्छा लगा है। अब बात करते हैं गेम स्किल के वो क्या क्लच की तरफ। ओ भाई, ये भी हो गया भाई हॉर्स क्लच। अब है ये एंडर क्लच। अब है कॉबवेब क्लच। ओ भाई, ये भी हो गया। तो अब बात करते हैं सबसे मेन थंबनेल की तरफ। तो मेरे सब थंबनेल स्क्रीन पे हाजिर है। आई होप कि मेरा थंबनेल अच्छा लगा होगा। तो अब बात करते हैं हम अपने वॉइस ओवर की तरफ। वॉइस ओवर तो आप देख ही रहेंगे, ये जो है। और अब बात करते हैं एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग इतना खास भी नहीं आता, पर बेसिक तो आती है, जैसे ये इस वीडियो में ही देख लो आप। तो अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। तो ये हूँ मैं जिसने अपने फ्रेंड को बिट्रे कर दिया बाई यूजिंग दिस डेडलीस्ट TNT ट्रैप। सो ये है सक्षम प्रो का एप्लीकेशन। भाई आपका एप्लीकेशन अच्छा है,
तो अभी फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। ये हूँ मैं जो ज्वाइन करना चाहता हूँ लड्डू एसएमपी। तो ये एसएमपी में बहुत ही टॉप क्रिएटर्स हैं जैसे कि ये, एंड मुझे ज्वाइन करनी है इस एसएमपी को। तो ये है मेरी एप्लीकेशन वीडियो टू ज्वाइन लड्डू एसएमपी। तो इस एसएमपी को ज्वाइन करने के लिए मुझे मेनली 3 क्राइटेरियाज को फॉलो करना होगा। उन सभी में से जो सबसे पहला अपना क्राइटेरिया आता है वो होने वाली है एडिटिंग, एंड जो अपना सेकेंड पार्ट होने वाला है वो होने वाली है वॉइस ओवर, एंड जो अपना थर्ड पार्ट होने वाला है वो होने वाला है थंबनेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पॉइंटों के बारे में, और वो होने वाली है एडिटिंग। तो गाइस एडिटिंग के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग देख ही सकते हो इस वीडियो में मेरी एडिटिंग कैसी है। सो भाई ये हैं केशव, और आपकी भी एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी। सो अभी फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो गाइस आज मैं एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ लड्डू एसएमपी के लिए, और हमारे क्राइटेरियाज कुछ ऐसे आते हैं। नंबर 1 एडिटिंग, नंबर 2 स्टोरी टेलिंग, नंबर 3 थंबनेल। तो गाइस चलो अब बढ़ते हैं स्टोरी टेलिंग पे। तो गाइस ये वाली सौ जवाब तभी मिलेंगी जब ओनर अनाउंस करेगा बाय ओनर, और ये होगा एंडर ड्रैगन वॉर। सो या भाई गेमर्स जी, तुम्हारा भी एप्लीकेशन अच्छा था। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं मेंबर सिलेक्शन में कौन कौन सेलेक्ट हुआ। तो जिसमें से हमारा पहला बंदा आता है केशव, एंड सेकंड पे हमारा स्कॉड, और थर्ड पे है हमारा सक्षम प्रो, और फोर्थ पे है गेमर्स ड्यूड। सो ये सारे मेंबर्स हमारे एसएमपी में सेलेक्टेड हैं। बहुत तेज हो रहे हैं। देखो यार भाई, इसमें तेज वेज होने की कोई बात नहीं है। हाँ बट अब जो मैं बताने वाला हूँ शायद से उसको सुन के आप लोग को थोड़ा धक्का लगे, तो संभाल लेना भाई अपनी कुर्सी वगैरह को। सो देखो यार, हमारी एसएमपी को बहुत सारे लोग दूसरी एसएमपी से कंपेयर करके उसकी तुलना करना चाहते हैं, इसीलिए अब हमारी एसएमपी को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। और इसी के कारण हम लोग ने फैसला लिया है कि हम लोग को एसएमपी क्लोज करना होगा, वरना फिर हम लोग की इज्जत पे आ जाएगा भाई सवाल। और अब हमारा ओनर भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, उसने भी हमारे एसएमपी के डाटा वगैरह लीक्स करके अब दूसरे लोगों को परमिशन दे दिया है एटरनॉस का, ताकि वो लोग हमारे सर्वर में खेल सके। बट भाई ये सब बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए भाई हम लोग ने फैसला किया है कि हम लोग लड्डू एसएमपी को क्लोज कर देने वाले हैं। बट हाँ, जिन जिन बंदों ने एप्लीकेशन बनाई है उनके लिए एक और सुझाव है कि हम लोग उनको दूसरे एसएमपी में खिलाएंगे। तो देखो यार, हम लोग का गद्दारी करने का तो ये प्लान नहीं है, बट हाँ अभी फिलहाल जिस भी बंदे ने एप्लीकेशन बनाई है और मेहनत की है भाई, और जो सेलेक्ट हुआ है लड्डू एसएमपी के लिए, वो अब फिलहाल आएगा फाइबर एसएमपी सीजन 2 में। उनके लिए सारी सीट्स फ्री में है, और भाई जिन जिन बंदों ने मेहनत की उनकी मेहनत वेस्ट ना जाए, इसलिए हम लोग ने ये चीज़ फैसला लिया है। और सॉरी फॉर कि आप लोग लड्डू एसएमपी में नहीं खेल पाओगे, बट हाँ फाइबर एसएमपी में ज़रूर आ जाना सीजन 2 में। सीजन 2 स्टार्ट होगा 15 जून से। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं बस आज के वाली वीडियो के अंदर इतना ही। और हाँ सॉरी फॉर भाई, हम लोग लड्डू एसएमपी क्लोज कर दिए हैं, बट हाँ फाइबर एसएमपी में ऑल लड्डू मेंबर्स के लिए सीट फ्री में है। सो आप लोग चाहे तो आ सकते हैं फाइबर एसएमपी सीजन 2 में। सीजन 1 के एंड होते ही सीजन 2 शुरू हो जाएगा, और आप लोग खेल लेना हम लोग के साथ मिलजुल के। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, और वेट करो 15 जून के अनाउंसमेंट का।